हेलो चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। आज फिर से हम आपके सामने रूबरू हुए हैं और ऐसा काफ़ी दिनों के बाद हुआ है। आप लोग जरूर समझेंगे कि सर तो ईद के चांद हो गए। चलिए, बात आई ईद के चांद होना, तो क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने चल रहा हूँ, थोड़ा सा बीच बीच में एक कुछ प्रोवर्ब और इस तरह की चीज़ें चलती रहें। ईद के चांद होना मतलब वंस इन अ ब्लू मून बोलते हैं। हालांकि मैं आपको प्रोवर्ब नहीं पढ़ाने चल रहा हूँ, ना ही कुछ इस तरह के देने जा रहा हूँ। तो ईद के चांद होना मतलब वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून मतलब कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा चांद जो है नीला दिखता है, इसलिए इसको कहा गया है। तो जब कोई चीज़ कभी 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 कदार हो तो उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, और हिंदी में कहते हैं ईद के चांद होना। बाय द वे, आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हम लोग कॉमन एरर करते हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब इंग्लिश लिखते हुए या जब हम किसी टेस्ट में बैठते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो बहुत सारी इस तरह की एरर्स हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसमें हमारे नंबर कट जाते हैं। हालांकि ये जो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ ये क्लास 6, 7 और 8 के लिए है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पर, क्योंकि गलतियां बहुत होती हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, मैं बता दूं आपको। हम जब सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, डूअर, और वर्ब होता है जो काम होता है, जो क्रिया की जाती है। यानी कि सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट होम वी टॉक, मतलब जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर। तो किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है ग्रामर की। तो ये आज हमारा, आज का जो सब्जेक्ट हमारा है वो है ग्रामर। और वर्ब क्या हो रही है, टीचिंग। मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो ये वर्ब है, क्रिया है। यानी कि द वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। हम दोनों चीजें बताते चल रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूजन हो कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता, यानी दोनों में क्या समझौते हुए हैं उसके बारे में जरा बात करेंगे। समझौते से जीवन चलता बच्चों। तो आज आइए जरा देखते हैं इस सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या समझौता हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं बता दूं, सब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर होता है, कभी कभी प्लूरल भी होता है। दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर कोई चीज़ एक है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, और कोई चीज़ अगर दो है यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हिंदी में बोलते हैं, और उसको सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं। तो क्या समझौता हुआ इन दोनों के बीच में, वर्ब यानी एक्शन के बारे में, क्रिया के बाद क्रिया और सब्जेक्ट में क्या समझौता हुआ है। तो जब समझौता ये हुआ है, सब्जेक्ट ने कहा कि जब मैं अकेला रहूँगा तब क्या करना है। वर्ब में जब, अब टेंस थोड़ा सा लेते हैं इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के वर्ब में यस या ईएस लग करके आता है, जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, सिंगुलर है तो वर्ब क्या बनेगी, वर्ब में यस या और ईएस लग करके आता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम इस पे एक एग्जांपल दें, सब्जेक्ट ही ये प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, और ये डिनोट करता किसी एक व्यक्ति को। ही मीन्स वह, या शी मीन्स वह। शी लड़की के लिए, फीमेल के लिए है, विमेन के लिए है, और ही जो है बॉय के लिए है, मैन के लिए है। ही और शी के साथ अगर हम वर्ब, इसको काम करने की बात करें, ये सब्जेक्ट हमारा बन गया है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये काम कोई करने जा रहा है। अगर हम कहें
कि वह स्कूल जाती है या वह स्कूल जाता है, या वह पत्र लिखता है या वह पत्र लिखती है, या वह पढ़ाता है या वह पढ़ाती है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वर्ब क्या है यानी एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है, क्या लिखने का, पत्र लिखने का या स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो इसमें क्या ही और शी, अब ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ ही और शी गोज टू स्कूल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर यस या ईएस होकर के आया है, क्या हुआ है, यस और ईएस ऐड होकर के आया है। क्यों, क्योंकि इस ही और शी जो कि सब्जेक्ट है, इन इनमें और वर्ब में, ये जो कि वर्ब है ये सब्जेक्ट है, इन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ है कि जब मैं अकेला रहूंगा तो तुम एक सपोर्ट लेकर के आओगे, गो, गो को बोला यानी कि वर्ब को बोला कि तुम सपोर्ट क्या, यस और यस को सपोर्ट में लेकर के आओगे, ही और शी गोज टू स्कूल, इतना कंफर्म हो गया। लेकिन अगर यहीं पर ये प्लूरल हो जाए, वे यानी एक से ज्यादा लोग हो जाए, तब क्या होगा, तब वहां पर यस या यस हट जाएगा, यानी समझौता क्या हुआ, सब्जेक्ट ने कहा अगर मैं एक से ज्यादा होकर के आऊंगा आपके सेंटेंस में तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगी। देखिए तो यहां पर अगर हम दे की बात करें यानी एक से ज्यादा प्लूरल की बात करें, दे, अब यहां पर गो हो जाएगा, गोस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, दे गो टू स्कूल, वह स्कूल जाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है ये, समझौता दोनों में हुआ है। यार देखिए दोनों में यहाँ गोज है, यहाँ पर गो है, क्योंकि क्योंकि सब्जेक्ट एक जगह सिंगुलर है जिसके वजह से वर्ब ईएस के साथ आया है, और सब्जेक्ट यहाँ दे प्लूरल है जिसकी वजह से यहाँ पर गो विदाउट एस और ईएस आया है। ये तो हमारा इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात होती है, कंटिन्यूअस में भी वही बात होती है, इज एम आर के साथ आई के साथ एक जो है अपवाद है कि आई के साथ हमेशा एम आता, ध्यान रखिएगा आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है और कुछ उसमें नहीं आता है। तो अगर इस तरह से देखें हम, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात थी लेकिन ये तो असर्टिव सेंटेंस थे। अगर इसी में हम चलें कि सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाए और इंट्रोगेटिव हो जाए तो वहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ यहां पर डू या डज आता है, ध्यान रखिएगा, और डू किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा और सिंगुलर के साथ डज आएगा, बात वही होगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। जैसे इंट्रोगेटिव में आप जानते हो ना कि इंट्रोगेटिव के लिए एक इंट्रोगेटिव मार्क्स भी लगता है, इस तरह से बनता है। और जैसे डू, हाँ एक चीज और बता दें, यू के साथ हमेशा यू को हम डील कैसे करते हैं, प्लूरल की तरह डील करते हैं, हालांकि वह तो होता है एक व्यक्ति होता है क्योंकि सेकंड पर्सन है, ये ध्यान रखिएगा, यह सेकंड पर्सन है। डू यू वांट समथिंग, डू यू वांट समथिंग, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, डू यू वांट समथिंग। और फिर डू दे, डू दे कम टू ऑफिस, डू दे कम टू ऑफिस, क्या वे ऑफिस आते हैं। अच्छा ये तो देखिए, यू के साथ हमेशा हमने बताया ना कि प्लूरल डील करते हैं, और यहां पर दे आ गया क्योंकि ये प्लूरल है, दे मीन्स वे, इसलिए यहां पर डू आया। लेकिन डज कब आ जाएगा, डज, अब देखिए डज में डू के साथ हमने क्या किया, ई एस ऐड कर दिया, डज ही कंप्लीट हिज होमवर्क,
क्या वह अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा ये समझ लीजिए कि समझौता हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब में। सब्जेक्ट कहता है कि मैं सिंगुलर रहूंगा तो वर्ब यस या यस के साथ आएगा, और प्लूरल रहेगा तो यस या यस नहीं लगेगा वर्ब में। चलिए, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात किए हैं। जब हम बाकी की बात करते हैं आगे टेंस की, इसमें होता है हैज, हैव, वाज, वर। तो हैज कहां लगता है, हैव कहां लगता है, फिर वही बात करेंगे। हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा और हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगने वाला है। वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा और वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग करके आता है। तो इस तरह से अभी तो मैं एक इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा हूं आप लोगों को, इसके आगे भी यही बताने चल रहे हैं कि किस तरह से हम अपने कॉमन एरर को मिनिमाइज करें, किस तरह से हम कॉमन एरर को मिनिमाइज करें। तो इसको आप फटाफट, इसको अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरह से यूज करें कि वर्ब और सब्जेक्ट में क्या एग्रीमेंट हुआ है, तो इसको हम रब करने चल रहे हैं। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चूंकि कोरोना की वजह से एक ऐसा वेरिएंट आ गया है, स्कूल बार बार बंद हो रहे हैं, आप लोगों को पता है, और आप लोग घर में बैठे हुए हैं तो कुछ न कुछ तो आप लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है, कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ मिलता रहे। चलिए देखते हैं, पहला है, पहला एग्रीमेंट हम आपको बताने चल रहे हैं। एग्रीमेंट वो भी था, एग्रीमेंट ये भी है, लेकिन वो टेंस के हिसाब से था, हम आपको कुछ और इसके साथ देने चल रहे हैं। जब कोई दो चीजें एंड के साथ जुड़ करके आए, तब वहां पर क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड एंड जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड के द्वारा जोड़े जाएं, तब क्या होता है, इसके बारे में जरा जान लीजिए। तब क्या होगा, तो क्या होता है, ये क्या रहेगा, इट टेक्स प्लूरल, वर्ब। क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों, एंड क्या बता रहा है कि दो चीजों को शो कर रहा है, जैसे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड। अब क्या होगा, अगर हम ऐसे कहें, एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम एंड श्याम। अब देखिए यहां पर राम एंड श्याम को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला, ज्वाइन करने वाला कौन है, एंड। तो यहां पर दो पर्सनालिटीज दिखाई दे रही हैं, कौन कौन, राम एंड श्याम, यानी एक से ज्यादा हो गए, तो क्या लगेगा यहां पर, इज नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, आर, आर लगेगा, आर माय फ्रेंड। ठीक है ना, क्या लगेगा, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, इज नहीं लगेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब दो चीजें एक साथ जुड़कर एंड के द्वारा जोड़ी जाएं, तब वहां क्या लगेगा, वर्ब क्या लगेगा, ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा, वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब है, ध्यान रखिएगा। ये जो इज आर, या अब इसको मैं इसको हटा दे रहा हूं, रिमूव कर दे रहा हूं यहां से, आर जो है लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोई एक और एग्जाम्पल दे दे रहे हैं,
इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान यह दो कंट्रीज की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंट्रीज, विच आर दोज आर इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान क्या है? नीड पीस। इंडिया और पाकिस्तान किसकी जरूरत है? टू डेवलप। ठीक है ना। इंडिया और पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? विकास करने के लिए किसकी जरूरत है? नीड, नीड्स नहीं होगा बल्कि नीड होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। पीस टू डेवलप, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दो देश हैं। इंडिया और पाकिस्तान दो देश हैं, यानी कि ये प्लूरल बन गए। इंडिया और पाकिस्तान प्लूरल बन गए हैं, इसलिए ये जो है वर्ब को प्लूरल की तरह लेगा। लेकिन एक चीज बता दें, जब एंड दो को जोड़ता है और उसका सेंस सिर्फ एक आता है, उसका जो सेंस हो सिंगुलर हो, तब वहां पर उसको हम क्या करते हैं? सिंगुलर की तरह सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जरा देखिए, जो पहला रूल था वह यह था, व्हेन टू आर मोर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड द टेक्स प्लूरल वर्ब। लेकिन एक और कंडीशन आ गई है, अभी एंड के साथ तो आएगा लेकिन उसमें क्या होगा? वर्ब जो है सिंगुलर की तरह आएगी, क्योंकि हम पूरे एंड के द्वारा जोड़े गए पूरे उस दोनों पार्ट को हम एक सेंस में लेते हैं। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एंड, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से ज्वाइंड किया गया हो बट रिप्रेजेंट वन आइडिया, लेकिन ये एक आइडिया रिप्रेजेंट करते हो, पूरे का एक थॉट हो, उसका एक सेंस निकलता हो, तब क्या होता है? तब उसे हम क्या कहते हैं? देन द वर्ब इज सिंग्यूलर। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सिंग्यूलर, प्लूरल सिंग्यूलर। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल लें, अभी मैंने बताया था आपको कि जब एंड दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़े तब वहां पर हम प्लूरल वर्ब देते हैं। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, लेकिन एक शर्त है, उसमें शर्त रखी गई है, बट रिप्रेजेंट वन आइडिया, लेकिन एक ही विचार को, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हो, प्रस्तुत करते हो, तो वहां पर वर्ब को सिंगुलर रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, स्लो एंड स्टडी। अब जब देखिए, स्लो एंड स्टडी जब बोलते हैं हम ना, तो यह एक ही विचार को व्यक्त करता है, एक ही आइडिया को शो करता है। स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है कि धीरे और निरंतर, धीमी और निरंतर गति से चलने वाला व्यक्ति विजयी होता है। जैसे आप लोग कछुआ और खरगोश कहानी पढ़े होंगे, कछुआ स्लो एंड स्टडी था, मतलब निरंतर चलता रहा और धीमे चलता रहा, निरंतर चलता रहा। स्लो एंड स्टडी क्या कर रहा है? एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहां पर वर्ब क्या लेगा? ये वर्ब सिंगुलर का लेगा। तो देखिए कि स्लो एंड स्टडी, देखिए मैं दो वर्ब लिख रहा हूं, विन एंड विंस। विन नहीं होगा, अगर यह प्लूरल होता तो विन लगता, क्योंकि यह सिंगुलर है, यह एक सिंगल
थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए विंस होगा। ये विंस, स्लो एंड स्टडी विंस। तो जो कौन जीतता है, कौन विजेता बनता है, जो धीमी गति से और लगातार काम करता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये तो जो लिया गया है ना, ये कछुए और खरगोश की कहानी से ली गई है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना। तो ये है हमारा एंड जोड़ दिया है स्लो और स्टडी दोनों को, लेकिन ये दोनों को, दोनों के दोनों एक ही थॉट्स को, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए विंस लगेगा, विन नहीं होगा। और अगला एग्जांपल हम दे रहे हैं ब्रेड एंड बटर। अगला एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर होता है कमाई। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है, इसमें है ब्रेड और बटर तो दिया गया है, ब्रेड मतलब होती है जो आप बाजार में देखते हैं ब्रेड, और बटर मतलब मक्खन, लेकिन यहां पर हमारी ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है कमाई। तो आइए देखते हैं कैसे ब्रेड एंड बटर को हम यूज करते हैं और उसको सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब देते हैं। ब्रेड एंड बटर इज द बेस ऑफ आवर लाइफ। देखिए, हमारे जीवन का आधार हमारी कमाई है, ठीक है ना। ब्रेड एंड बटर इज द बेस ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का आधार हमारी क्या है, कमाई है। तो इस तरह से यहां पर जो वर्ब आया है वह इज आया है, ना कि आर आया है, क्योंकि अगर पहले रूल के अकॉर्डिंग हम देखें, ब्रेड एंड बटर के साथ आर आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज द बेस ऑफ आवर लाइफ, तो यहां पर इज आया है, क्योंकि ये दोनों जो है ब्रेड एंड बटर, ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही सेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने आपको एंड के साथ दो चीजें बताई, कहीं पर प्लूरल ले रहा है वर्ब, कहीं पर सिंगुलर ले रहा है। तो जहां पर दो आइडिया, दो थॉट्स आ रहे हैं, टू थॉट्स आ रहे हैं और मोर देन टू थॉट्स आ रहे हैं, वहां पर प्लूरल वर्ब ले रहा है, और जहां पर ब्रेड, जहां पर एंड के साथ एक ही सेंस आ रहा है, एक ही आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर सिंगुलर वर्ब आ रहा है। तो चलिए इसको आप नोट फटाफट करिए, आगे बढ़ते हैं नंबर तीन पर। नंबर तीन क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओके, आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको जरा सा भी चूक जाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या अपने राइटिंग में, अपने लिटरेचर में आप मिस्टेक कर देंगे, जो कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी नॉलेज के लिए हानिकारक होगा, आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए आप इस पर गौर से, ध्यान से, अच्छे से पढ़िएगा, और इस पर मैं और भी सीरीज बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सब कुछ पढ़ लेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, टेंस पढ़ लेंगे, या एक्टिव पैसिव पढ़ लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक ये चीज़ आपको नहीं आएगी तब तक आप जो है परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, गलतियां करते रहेंगे। अगला है, अब बात आती है, अगर कोई भी नाउन है एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रही है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा। आइए जरा देखते हैं कैसे, लेकिन उसमें एंड लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट है एक ही को डिनोट कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी थिंग एक ही डिनोट कर रहा है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब
लेकर के आएगा। आइए जरा देख लें नंबर तीन पर क्या आ रहा है, इसके बारे में जानते हैं। इफ टू सिंगुलर नाउन्स इसमें भी दो चीजें हैं, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन अगर या पर्सन हो या थिंग, जैसा कि रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, तो क्या होगा, टेक सिंगुलर वर्ब, क्या होगा, टेक सिंगुलर वर्ब। अब जरा देखिए, इफ टू सिंगुलर नाउन्स, अगर दो सिंगुलर नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, एक ही व्यक्ति को एक ही चीज को रेफर कर रही हैं, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल लें क्या है, द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, देखिए एंड फिर आ गया यहां पर, द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड गांधी जी इज मिस्ड बाय ऑल। गांधी जी इज मिस्ड बाय ऑल। अब जरा देखिए, द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, ईमानदार और समर्पित गांधी जी। अब यहां पर इज जो है एंड के साथ ऑनेस्ट भी लगा है एंड डेडिकेटेड दो दिए गए हैं, ये जो कि एक ही व्यक्ति के लिए है, ध्यान रखिएगा, वह किसके लिए, गांधी जी के लिए है। द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड गांधी जी इज मिस्ड बाय ऑल। अगर यहां पर आर नहीं दिया गया है, क्यों, क्योंकि ये जो एंड के पहले और बाद वाले दोनों वर्ड हैं वो गांधी जी के लिए ही डिनोट कर रहे हैं, ये एक व्यक्ति के लिए है, इसलिए यहां पर इज लगा हुआ है। तो यहां पर इस तरह की गलतियां आप कभी मत करिएगा। हमने जो सब बताया, एंड के साथ अगर कोई चीज आए तो आप ये सोच लेना कि यहां आर लगने वाला, नहीं, इस रूल को ध्यान रखिएगा, जब दो चीजें एक ही को रेफर कर रही हूं, एक ही व्यक्ति को एक ही चीज को रेफर कर रही हूं, तो वहां पर क्या लगेगा, वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, एक और, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। अब यहां देखिए, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, यह व्यक्ति एक ही है, प्रिंसिपल भी वही है और मैनेजर भी वही है, ठीक है ना, इसमें एंड लगा हुआ जरूर है, ये मैनेजर अलग नहीं है। अभी मैं अलग करके भी बताता हूं कैसे अलग बनेगा। मैनेजर भी वही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल वही व्यक्ति है जो मैनेजर है। तो यहां पर सिंगुलर आएगा इज ऑन विजिट और राउंड, इज ऑन विजिट और राउंड। देखिए, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज ऑन विजिट और राउंड, यानी कि प्रिंसिपल ऑफिस से निकल चुके हैं जो कि मैनेजर हैं, मैनेजर निकल चुके हैं जो कि प्रिंसिपल हैं, यानी दोनों चीजें एक ही व्यक्ति के को बता रही है। तो यहां पर इज लगा हुआ है, कहां पर निकले हुए हैं, विजिट पर निकले हुए, राउंड पर निकले हुए, यानी कि चेक कर रहे हैं क्लास में कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, तो इसलिए यहां पर इज लगा हुआ, दोनों व्यक्ति वही हैं। लेकिन आइए अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए।
द प्रिंसिपल एंड मैनेजर दिया गया था, यहीं पर अगर हम द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर कर दें, क्या कर दें, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर कर दें, तब यहां पर इसकी जगह आर हो जाएगा, तब क्या होगा, तब ये दो व्यक्ति हो जाएंगे। तो चौथा इसमें हम आपको ऐड करके दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको जानना जरूरी है कि इफ सिंगुलर नाउन्स, सॉरी यहां पर इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर फॉलोड बाय द, क्या है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर फॉलोड बाय द, तब क्या होगा, तब टेक प्लूरल वर्ब। तो कैसे, क्योंकि जब द दोनों में लगता है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर फॉलोड बाय द, इसमें दोनों, देखिए दोनों जो है द नहीं लगा हुआ था, लेकिन दूसरे वाले एक सेंटेंस में हम चल रहे हैं, देखते हैं कि कैसे जो है द लगा करके हम इसको अलग अलग करते हैं। तो एग्जांपल दे रहे हैं, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर। अब देखिए, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, यहां पर था द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, यहां पर है द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर। इस द प्रिंसिपल एंड मैनेजर मतलब एक व्यक्ति के लिए था, यहां पर द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, यहां पर दो व्यक्ति हैं, यहां पर दो व्यक्ति हैं, दो टू पर्संस आर हियर, दैट द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर दो लोग हैं। आर, अब यहां पर क्या लगेगा, वर्ब क्या लगेगा बच्चा, यहां पर वर्ब क्या लग जाएगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर। यहां पर इज लगाया था ना हमने, यहां पर आर लगा, क्यों, क्योंकि यहां पर मैनेजर के पहले द नहीं लगा था, प्रिंसिपल पहले द लगा था, इसका मतलब ये दोनों एक थे। यहां पर द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, मैनेजर अलग है, प्रिंसिपल अलग है, ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति आर हैं, आर क्या, आर ऑन विजिट और राउंड, मतलब क्या है, प्रिंसिपल भी राउंड पर हैं और मैनेजर साहब भी राउंड पर हैं, दोनों लोग राउंड पर, दो लोग राउंड पर हैं, ठीक है ना। तो इस पे किसी बात की किसी तरह कंफ्यूजन ना होने पाए, कि एक बार तो हमने बताया कि जब एंड में द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, ऑनेस्ट द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, अगर द ऑनेस्ट एंड द डेडिकेटेड किया जाता तो दो व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है ना। यहां द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर होता तो दो व्यक्तियों के लिए, चूंकि यहां पर द नहीं लगा था इसलिए यहां पर इज लगा हुआ, दोनों एक ही थे, यहां पर दो अलग अलग शख्सियत थे, दो अलग अलग पर्सनालिटीज थी, इसलिए दोनों के लिए हमने क्या लगाया, आर लगा दिया है। तो फोर पॉइंट्स आपको बताया, अगले इसी सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं कि बाकी की चीजें कैसे हम सिंगुलर और प्लूरल लगा करके अपने सेंटेंस को करेक्ट कर सकें, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो, लगभग 36 मिनट का हो गया है। इसके साथ ही मैं आज के लिए सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और सबके लिए शुभरात्रि बोलता हूँ। और सब लोग घर में पढ़ते रहिए, जब तक स्कूल ना खुल जाए तब तक आप लोग घर में पढ़ते रहिए, जैसे स्कूल खुलेगा फिर हम लोग मिलने वाले हैं।
बहुत जल्दी ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व आउट हो और हम लोग जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू वेरी मच।